हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। आज मेरा व्लॉग आप चालू होते देख सकते हो कहाँ खड़ा हूँ मैं, एकदम हमारे ये माचवा की साइड है जगह। ये है क्या बोलते हैं पापा इसको, ताल कहीं की टाल, चारे की टाल, चारे की टाल। तो ये चारे की टाल है, मतलब यहाँ पे देखो गाय भैंसों का जो भी चारा होता है ना, तो उसका चारा यहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ से जो भी हमारे पापा जी के दोस्त हैं वो लेके जाते हैं चारा वगैरह गाय भैंसों का सबका। हम किसी काम से आए हैं वैसे, तो अभी जा रहे हैं फुलेरा की साइड। सुबह सुबह की वाइब यार अलग ही होती है एकदम। देखो गांव वाला फील है फुल। वहाँ पे देखो कैसे बना रखा है सोने का, ये ट्रैक्टर खड़ा है और ये रहा पूरा चारा ही चारा। इधर पूरा देखो गाँव का इलाका है पूरा। तो अभी कार आ रही है, बाइक हमने लगा दिया वहाँ पे, कार में बैठ के चलेंगे फुलेरा, ट्रैक्टर चलाने का मौका मिल जाए एक बार। मैं सोच रहा था 4x4 खरीदूंगा, ये 4x4 की जगह ये देखो हाइट, कितने मोटे मोटे टायर होते हैं इसके। यार मेरे को 4-व्हीलर चलानी नहीं आती, पहली बात सीखनी पड़ेगी, जल्दी सीखूंगा मैं। तो यहाँ पे सोने का जुगाड़ भी है पूरा। खाट पड़ी है बढ़िया, यहीं पे सो जाते अपन तो। वही सही जगह है लेकिन मच्छर बहुत है यहाँ पे। लेकिन यहाँ सुबह उठते देखो ये नज़ारा मिलेगा उठते ही, किसको नहीं चाहिए नज़ारा ही। तो भाई यहाँ पे बैठे बैठे चाय आ रही है हमारे लिए, खातिरदारी देख रहे हो बिल्कुल, बिना बोले अभी कोई आया और चाय दे के चले गया। देखो हमारे पापा के राज में चाय, चाय लवर है मेरे पापा। इस पूरे एरिया में राउन गेट से इधर के कालवाड़ तक सब पापा को गुरुजी गुरुजी बोलते हैं। देख लो अभी बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं कार का, कार आएगी फिर चलेंगे फुलेरा। फुलेरा से पहले है कोई घर है किसी का, वहाँ जा रहे हैं काम करने। यार ज़्यादा आ चुकी है, 2 कप तो हुए थे इसके, अब इसको रखूँ कहाँ पे, मैंने इसका डोरा भी फेंक दिया। काश मेरे को 4-व्हीलर चलानी आती, मेरे को 4-व्हीलर चलानी आती ना भाई, मैं ही चला के लेके जाता। सही में सही बता रहा हूँ मैं, अब सीखेंगे जल्दी 4-व्हीलर भी सीखेंगे यार, क्योंकि यूट्यूब से इनकम तो होगी ना कभी, तो लेंगे फिर 4-व्हीलर। इतना ही कर सकता हूँ गाइस, बस गाड़ी की सीट पे बैठ ही सकता हूँ। अभी आती होती ना मेरे को यही भगा रहा होता मैं इसको। यार एक बात तो देख ली मैंने, लंबे लोग तो ढंग से बैठ ही नहीं सकते हैं इस पे, पीछे भी स्पेस कम है पैर रखने का और आगे भी। आगे खैर फिर भी सीट सीट पीछे कर लो। भाई अभी जोबनेर पहुंच गए और कचौरी खाने रुके हैं। कचौरी मैं तो खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं खा चुका हूं। उधर पापा वगैरह खा रहे हैं अपने कचौरी। मैं तो बोल रहा था बनाऊंगा, कोई बात नहीं। तो भाई काम पूरा हो गया है और गाड़ी इतनी भयंकर तपरी में मैंने खोली थी, क्या बताऊँ। देखो धूप में खड़ी है ना तो तपरी है थोड़ी। और यहाँ पे आए थे हम, यहाँ पे जिसका काम करना था। तो अभी यार वहाँ पे वीडियो वगैरह बना नहीं पाया मैं पूरी, क्या अचानक से भूल ही गए काम करते करते, थोड़ा जल्दी फ्री होना था मैं काम करके। तो एक क्लिप डाली थी मैंने आपको, तो वो हवन वगैरह की, तो वो हवन करा था हमने। तो बाकी आपको पूरी डिटेल चाहिए ना इसकी, तो मेरे पापा का चैनल भी है तो नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, देख लेना। ये ऐसी रिलेटेड चीज़ें आपको देखेंगे ना। तो यार मैं वीडियो पूरा बनाता तो सही रहता वैसे हवन का, लेकिन उस टाइम क्या है पूरा काम में ध्यान था इसलिए बना नहीं पाया। और अभी काफ़ी लेट हो रहे हैं वैसे, भाई इच्छा तो बहुत हो रही है चाबी लगाऊं और चालू ले जाऊं यहाँ से पूरा खेत ही खेत। देखो ये देखो ये चारा पड़ा है। अब भाई तप चुका हूँ मैं तो, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो छाया में चलते हैं। बढ़िया बंदी हुई है अपने, रेस्ट कर रही है। हेलो हेलो, अरे गाँव का सीन तगड़ा तो रहता है यार एकदम।
सुबह सुबह उठो एकदम वादियाँ पूरा खुला पड़ा है चारों साइड, और बढ़िया दूध वगैरह पियो, वो गाय गाय खूब सारी। Two hours later. So guys, गाँव जाके तो आ चुके हैं और नहा लिया हूँ मैं आते ही, क्योंकि ऐसी हालत हो गई भाई धूप में भयंकर, पैर भी ऐसे सड़ गए पूरे, गर्मी गर्मी लग रही थी। आते ही नहाया, अब बैठा हूँ रेस्ट करूँगा फिर वीडियो एडिट करूँगा। तो आपको बताना आपको कैसा लगा ब्लॉग, और गाँव का आज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और वीडियो जो मैं नहीं बना पाया था वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बना लूँगा यार, जब भी जाऊँगा पापा के साथ। तो अभी इस ब्लॉग को मैं ही ख़त्म करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।